जा रही हैं आप? हेलो फ्रेंड्स, मानसी ब्लॉग से मैं कुकू की मम्मी बोल रही हूँ। आज हम आज के दिन नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अच्छे विचारों के साथ। मेरी प्यारी सी बेटी आप लोगों के साथ में है और ये कह रही है कि ये आपको अपना गार्डन घुमाएगी। ये कुकू अपना गार्डन दिखाएगी आपको। दिखाओ, आपकी दादी ने क्या क्या प्लांट्स लगा रखे हैं ये बताओ। इधर चलो आगे। ये गाय का पेड़ है कुकू? किस चीज का पेड़ है? फ्लावर्स कहाँ के लग रहे हैं आपके गार्डन में? हाँ, सुसु आ रही है। इसकी दादी यहाँ सुसु कराती है इसको, इसलिए इसको देखते ही सुसु की याद आती है। बहुत श्यानी हो रही है हमारी बिटिया रानी। ओ देखो कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं आपकी अम्मा ने लगाए हैं बाबू। ये पानी देती है, ऐसे पानी दे दोगी आप? कैसे देती हो पानी? जे तो बड़ा पालो बच्चा, पाल कर दो थोड़ा सा। ये सब में देखो पानी देख रही है। देखो फ्रेंड्स, हमारी कुकु कुंतल सारे पेड़ों में पानी दे रही हैं। इसकी एक अच्छी बात लगती है, मिट्टी नहीं खाती बिल्कुल भी। मिट्टी नहीं खाता ना बेबी, क्योंकि इसमें कैल्शियम की कमी नहीं है, इसमें विटामिन डी की कमी है, क्योंकि इसको हमने बहुत कम बाहर निकाला है, रूमों में ज़्यादा रखा है इसको। ये अब झाड़ू लगा देंगे। कुकू आपके बाबा कहाँ गए? आंग दे हैं? घूमी नहीं गए? तो ये ऐसे सफाई करती है ना बब्बू, उसकी देखा देख। मैं यहाँ बैठ जाऊं? देखो ये हमारा पेड़ लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जो फ्लावर आते हैं ना, हाँ शमी का पेड़ है। देखो ये लगा रहा बच्चा मेरा पेड़ों में पानी। आज के दिन हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और कुकू के करो बंद करो, उसको जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो। हाँ बस खोलना नहीं है, सॉरी बोलो मम्मा को। गुड गर्ल, अब करोगी? करोगी अब? ओके सॉरी बोलो, सॉरी कुकू, सॉरी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो सॉरी। बोलती बोल दी, एक बार और बोलो, बोलो जल्दी। बोलती। ओके कैसे बोली थी आपने, कैसे बोली थी शॉई? ये झाड़ू लगाएंगे मैडम वापस, ये सफाई की तो इतनी प्रिय है कि आप पूछिए ही मत, इनका कोई अंदाज ही नहीं है। सारे झाड़ुओं को डाल देंगे अभी तोड़ तोड़ के। बेटा बुक्स कहाँ गई आपकी? बुक्स कहाँ गई? किताबें कहाँ गई? अब ये अपनी अम्मा के पास से अपनी किताबें लेने गई है। कल से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी, तो वॉमिटिंग हुई कुकू को, मुझे फीवर हुआ है, दवाई लेके आए हैं इन ऑल दैट। सही हो जाए जल्दी से, फिर अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करेंगे आप लोगों के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि मैंने एक मन्नत बोली थी कि मेरे घर वाले वापस आ जाए, तो और भी मन्नत बोली है, पूरी हो जाएगी तब बताऊँगी। जिनमें से एक पूरी हो गई है तो वो बता दी मैंने। खाटू श्याम जी जाना है मुझे, तो देखती हूँ किसी दिन
प्लानिंग करती हूँ, फिर बाबा का अगर आशीर्वाद रहा तो हम श्याम जी के मंदिर जाएंगे। चेहरा थोड़ा खराब हो रहा है और आप लोगों का बहुत सलाह मशवरा आ रहा है कि मैं अपने आप पे भी ध्यान दूँ, तो बहुत जल्द मैं अपने आप पे भी ध्यान दूंगी, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे लोगों के मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ले आई बुक्स, बैठ के पढ़ो, पढ़ाई करो, बैठ जाओ, पढ़ाई करो। ये क्या हाल किए बुक्स के हैं? बाकी के पन्ने कहाँ गए? ये तो उसका फ्रंट है, बाकी के पन्ने कहाँ गए? कोई बात नहीं, लो पढ़ो। नाक बंद हो रही है मेरी, तो मैंने सोचा ये सूप बना देती हूँ। स्वीट कॉर्न सूप है, वेजिटेबल सूप। इसके लिए है ना, मैंने इसमें दो मग पानी ले दिए। ये क्या कर रहे हैं आप बताइए? झाड़ू लगा रहे हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा सूप बना लूँ, उसे कट करके इस पानी में डाल दूँ। इसकी अम्मा के यहाँ टूटा हुआ झाड़ू पड़ा होगा, इसके लिए डाल दिया है। इसको ऐसे करके मिला देंगे। ये बबल्स वगैरह, इसमें क्या है, मशरूम होता है और ये क्रीमी टाइप का होता है, तो ये ना जुकाम हो जाता है तो अच्छा लगता है मुझे। मैं कॉलेज में बहुत पीती थी इसको। मुझे है ना वीडियो बनाने में शायद मैं कुछ मिस्टेक करती हूँ, तो आप लोग मुझे कॉल पे, मतलब कॉल पे क्या, नंबर तो किसी के पास मेरा है नहीं, पर मुझे कमेंट्स में बताना। लो दिखा दिया, लो फ्रेंड्स देखिए आप, कुकू बार बार कह रही है कि मुझे दिखा दो मम्मा, मुझे दिखा दो। ये देखिए कुकू आज बिल्कुल सारा घर का काम कुकू ही करेगी। बब्बू तुम रहने दो, कुकू ही करेगी आज सारा काम। हाँ ये दिखा रही है कि देखो मम्मा, बब्बो पीछे से मुझसे कितना काम करवाती है। देखिए इसका कितना टेक्सचर, कितना क्रीमी आ रहा है। बेटे आपको नहीं दिखाना, मुझे है ना पता है, ये फ्रेंड्स को ये दिखा दूँ सूप। इसमें कॉर्न भी होते हैं, इसको खोलने देंगे खूब, फिर इससे बना के पिएंगे। बेटे मम्मी में झाड़ू नहीं लगाते, गंदी बात। अम्मा बुला रही है, जाओ, आपकी अम्मा ने आपके लिए दही बनाया है। इसके अम्मा बाबा सुबह है ना दलिया खाते, तो मम्मी कल मुझे कह रही थी कि इसको दलिया खिलाना सीख। आज तो पूरे मस्ती के मूड में। अम्मा बुला रही है आपकी, कुकू। हाँ ऐसे ऐसे सफाई कर। देखिए ये हमारा सूप बन गया, सूप बन के तैयार हो गया। अब इस गरम गरम सूप को मैं पीऊंगी। लो दिखा दिया, लो पियो, लो जल्दी आओ, नहीं उधर से रहने दो, इधर से आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। कैसा है, टेस्टी है? लो और खाओ और खाओ।
इसको अच्छा नहीं लग रहा, लगता है ऑलवेज इसके कार्टून। मेरा बच्चा पूछ कर दो कैसा लगा। मैं यहाँ अपनी ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूँगी जिन्होंने मुझ पे इतना विश्वास किया, मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज किए, मुझे दुआएं दी कि मेरा पति आ जाए कुकू और मैं अच्छी ज़िंदगी जिए। आज मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा, तो यहाँ आके मैं अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ आप सब लोगों को कि मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको बहुत सारा थैंक्स कहती हूँ जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और मेरा उन लोगों से जो कहना है जो गंदी गंदी गालियाँ अब भी लिख रहे हैं और मुझे ट्रोलिंग कर कर के वीडियो बना के मेंशन कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे ऊपर ट्रोलिंग ना करें, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी जीने का अधिकार है, मेरी बच्ची को भी जीने का अधिकार है। हम दोनों माँ बेटी की पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा बुरा सा अलोननेस सी फील हो रही है। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सबको अपनी अपनी जीने का अधिकार, अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार होता है, सबको है। यहाँ मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव वे में ले जाके मुझे माफ़ भी किया है और मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उन सारी मेरी फ्रेंड्स के लिए थैंक यू सो मच। और कल रात को तो आप लोगों ने देखा लाइव आने पे कुकू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन आज सुबह थोड़ी ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में उसकी भी बहुत सारी क्लिपिंग्स डाली हैं, आप उन्हें भी देख के इंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मुझे सजेशन दीजिएगा कि और क्या क्या चीज़ें मैं जोड़ूँ, क्योंकि बात यह है कि मैं अपना खुद का कंटेंट रखना चाहती हूँ, उसकी लाइफ को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत लंबी है और बहुत ज़्यादा चलनी है मेरी जर्नी, और मैं क्या कहूँ, बस यही सारी बातें हैं, और थोड़ा मतलब मेरा पोलाइट बिहेवियर हो जाए, भगवान से यही दुआ है, मुझे जल्दी जल्दी गुस्सा ना आए, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाए मेरे घर में, मेरा हस्बैंड मेरे पास वापस आ जाए। उन्हें वो पता है, हमेशा मेरे को 10 रुपीज़ की भी ज़रूरत पड़ती थी ना, तो मैं उनसे मांगती थी। आज उन्हें शायद मुझे ऐसे देख के खुशी होगी, क्योंकि वो चाहते थे कि ये फ़्लाइट की टिकट खुद करवाए और बैंक से खुद पैसा निकाले, वो मुझे डिपेंडेंट करना चाहते थे, सेल्फ डिपेंडेंट, जो कि मैं हो गई उनके जाने के बाद। मतलब प्रदीप मुझे कहते नहीं थे कभी, बट वो हमेशा यही कहते थे कि तू सुधर जा, तू सुधर जा, अपने काम खुद करने लग। तो आज मुझे समझ में आने लगा है कि खुद के काम खुद करने चाहिए, और हाँ, हर चीज़ का एविडेंस रखना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं करूँगी। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ यूट्यूब पे आने के बाद सीखने को मिली हैं, मैं उन्हें सीख के लगता है मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, उन चीज़ों को मैं सीख जाऊँ जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ हूँ और मुझे स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो न्यू जनरेशन आ रही है उनके सामने तो हम पागल ही लगेंगे बिल्कुल। और कुकू काफ़ी मतलब शार्प माइंडेड लड़की है, और उसकी परवरिश भी मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छे से करूँ और उसको बहुत अच्छी डॉक्टर बनाऊँ, कि बिकॉज बोथ आर डॉक्टर्स, तो हम चाहेंगे कि हमारी बेटी भी डॉक्टर बने। अभी बहुत सारी मेहनत करनी है उसके साथ, मुझे नहीं पता कहाँ तक मुझे अकेले चलना है, क्या पता पूरी ज़िंदगी भर अकेले चलना पड़े, तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है जिसमें आप लोग मेरी बहुत हेल्प करेंगे। यूट्यूब से मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ कि मेरी हेल्प कीजिएगा, हेल्प इन द सेंस किसी पैसे वैसे पर नहीं, मुझे जैसे मेंशंस कर रही हैं आजकल बहुत लेडीज़, मुझे पता है बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस भी होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे रहना चाहिए, मतलब मुझे सिखा रहे लोग बाग यहाँ पे, तो मुझे एक सीखने का, क्योंकि मेरा इतना सोशल बैकग्राउंड है नहीं, तो मुझे इन लोगों से सीखने को भी मिल रहा है। ठीक है, ट्रोलिंग करते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो समझ जाएंगे, उनके दिल में भी प्यार आएगा क्योंकि वो लोग भी इंसान हैं। लेकिन कुछ लोग गलत गलत फेक फेक आइडियो से मुझे मैसेज करते हैं, प्लीज़ मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो ऐसे मैसेज ना करें,
और मैंने यहाँ क्लिपिंग कुछ अपने हॉस्पिटल की भी लगाई है, वो आज की नहीं है, पुरानी है, कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है हर औरत जो कि अकेली सिंगल मदर है, उसे हर जगह स्ट्रगल करना पड़ता है। मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ और स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी हूँ नहीं, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। और इन दिनों जो भी भसड़ हुई है, जो भी गंद फैली गई है, उसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, मैंने तो जो किया किया, लेकिन मेरे सहारे, मेरे आड़ में आके बहुत सारे लोगों ने गंद फैलाई है, तो उनसे यही कहूँगी कि अब मुझे किसी ट्रोलिंग में मत लो यार, बहुत हो गया, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी जीने का हक है, मेरी बेटी को भी जीने का हक है, सब कुछ अच्छा हो, सबकी ज़िंदगी अच्छे से चले, सब लोग अपने बच्चों को खूब प्यार करें, खूब मेहनत करें उनके साथ, उनके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, बस यही मेरे सबके लिए दुआ है। आप लोगों को बहुत प्यार दीजिएगा, वो बहुत बहुत सारे लोगों ने कहा बहुत क्यूट है, वाकई में वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, सबको अपने प्यार से जगमगा के रखती है। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें प्यार करना ना भूलें।